14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में चिड़ावा ऐतिहासिक पूर्णतः बंद रहा। कस्बे की दुकानें दिन भर बंद रही। हिंदूवादी संगठन, समस्त चिड़ावा व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों व सर्व समाज के द्वारा किए गए बंद के आह्वान के बाद व्यापारियों ने सहयोग किया तथा सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे। विवेकानंद चौक से कबूतरखाना बस स्टैंड तक पैदल मार्च भी निकाला गया। पाकिस्तान के झंडे जलाए गए तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका गया। वहीं कस्बे के वार्ड नंबर 23 में भी पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। वार्ड के रामचंद्र शर्मा की अगुवाई में वार्डवासियों ने पीएम मोदी से पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उधर शनिवार की बीती शाम को चिड़ावा की युवा शक्ति ने कबूतरखाना बस स्टैंड से मौन कैंडल मार्च निकालते हुए स्वामी विवेकानंद चौक पर श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद व भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। ओजटू में भी कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी तरह चिड़ासन गांव में भी कैंडल मार्च निकालकर तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। पूरे गांव में कैंडल मार्च निकालकर शहीद आजम भगत सिंह सर्किल के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में कांग्रेस आईटी सेल विधानसभा झुंझुनू संयोजक, जिला महासचिव सेवा दल सुनील मेला आदि कई मौजूद रहे। केरली गांव में शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्री भूमियो दादा मंदिर से बाईपास तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर बजरंग दल पिलानी के छात्र सह संपर्क प्रमुख मोहन सिंह झेरली, भवानी जांगिर, समस्त ग्रामवासी व मंडेलिया स्कूल के विद्यार्थियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की।